हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। आज 19 सितंबर 2019 की सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के दिन भर की चार बड़ी खबरें लेके आया हूँ। आपको सारे के सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही दिखाए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ हमारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस बेल आइकन को, इस घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए। अदरवाइज आप तक हमारे वीडियो का कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा और आप हमारे वीडियो नहीं देख पाएंगे, इसलिए इसके लिए आप इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए आपको एक-एक करके सारी न्यूज़ दिखाते हैं। पहली न्यूज़ जो आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के GDS सेक्शन से है। एक्चुअली बहुत बड़ी न्यूज़ है, जो वन मैन कमेटी जो बनाई गई थी उसके रिकमेंडेशन दिए गए थे, उसके कुछ इम्प्लीमेंटेशन थे। जो चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटीज जो अलाउंसेस ग्रामीण डाक सेवक को मिलता है, अब वो जो बढ़ जो है अब उसको फिक्स किया जा रहा है 6,000 रुपये पर साल के हिसाब से, अगर आप एक बच्चे पर। तो सभी GDS के लिए बहुत बड़ी खबर है, आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ वन मैन कमेटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटेशन अलाउंसेस फॉर ग्रामीण डाक सेवक। तो आप यहां देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ रिइंबर्समेंट चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटेशन अलाउंसेस विल बी ₹6,000 पर एनम फिक्स्ड पर चाइल्ड। यानी कि आपको जो है 6,000 रुपये हर साल एक बच्चे पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। चलिए दूसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। दूसरी न्यूज़ जो आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया नोटिफिकेशन है, इशूज़ रिलेटेड टू द न्यू पेंशन स्कीम, यानी NPS पे बहुत सारे जो इशूज़ क्रिएट हो रहे थे उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हैं इसमें जो इशूज़ थे, इनकम्प्लीट डेटा कैप्चर था, इसके अलावा जो ट्रांसफर और प्लान था, प्लान एप्लीकेशन थे, पेंडिंग विड्रॉल रिक्वेस्ट था, इसके अलावा जो बहुत सारे लॉगिन आईडी जो क्रिएटेड हुए थे जो DDOs को नहीं एक्टिवेट कर पाए थे, और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन जो शेयरिंग होती है उसके अलावा ये भी सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बोला कि 20 तारीख तक ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, उसी की रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। आप इसमें देख सकते हैं रेलवे जो है NPS से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहा है, और आप देख सकते हैं उसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन है। चलिए तीसरी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। तीसरी जो आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से जारी किए गए ऑफिस मेमोरेंडम है कि आप अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आप जो है किसी भी CGHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल से आप बिना प्रायर एडमिशन के आप जो है उसमें आप अपना इलाज करवा सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। एक बहुत बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन CGHS इंपैनल हॉस्पिटल। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लियर लिखा हुआ है, एडमिशन एनी CGHS इंपैनल हॉस्पिटल विदाउट एनी प्रायर परमिशन, अगर आप इमरजेंसी सिचुएशन में हैं तो बिना प्रायर इंफॉर्मेशन के, बिना प्रायर परमिशन के आप जो है किसी भी हॉस्पिटल में CGHS पैनल हॉस्पिटल में आप अपनी जो है ट्रीटमेंट ले सकते हैं। चलिए चौथी न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। चौथी न्यूज़ जो आई है, कई दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कि जो मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में जो न्यू व्हीकल परचेस करने का जो एक बैन टाइप से लगा हुआ था या रोक लगी हुई थी उसको, वो लगा हुआ था, अब उसको गवर्नमेंट ने हटा दिया। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, लिफ्टिंग ऑफ द बैन ऑन परचेस ऑफ न्यू व्हीकल्स फॉर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। तो ये एक अच्छी खबर है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।